इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में, श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधु अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री दनिशा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय जय देवाधिदेव श्री चंदाप्रभु भगवान की जय। जय जय देवाधिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता भावनायुक्त प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संवे शिखर की तलहटी में स्थित समाज के गुणात्मक विकास का संदेश देने वाला, मनोरंजन के लिए नहीं मन मंथन के लिए आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोषण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व सायंकालीन वेला में गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए जो भी सुधीर श्रावक पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से पूरे भारत वर्ष के साथ साथ इंदौर दिगंबर जैन समाज के समस्त श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन सुधी श्रावकों ने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जाएगी और मैं चाहूंगा अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़ो के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान दीपक जी, श्रीमती डिंपल जी, दक्ष जैन इंदौर, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्रीमती पुष्पा वाई कटनी, अगर उपस्थित हैं तो गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इन शुद्धि श्रावकों का सम्मान करेंगे। आइए जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती दीपा जी, प्रदीप जी, दिल्ली, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। और चलते हैं, मैं उन श्रावकों को मंच पर आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान बीरेंद्र कुमार जी, वकील साहब, श्रीमती शकुन जी, विकास जी, राहुल जी, अंश जी, आदि जी, कियान जी एवं समस्त सोनी परिवार बल्लभवाड़ी कोटा यहाँ और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान पूर्णमल जी सेठी, पदम जी छावड़ा रांची, ये आएंगे हमारे सम्माननीय स्वर्ण दान जिन्होंने दिया है उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान पूर्णमल जी सेठी और पदम जी छावड़ा रांची, ये आएंगे हमारे सम्माननीय श्रीमान वीरेंद्र कुमार जैन वकील साहब, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे
गुणायतन परिवार के गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान डॉक्टर अशोक जी, गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर अशोक जी, सविता जी भोपाल, वे आएंगे मंच पर अपनी माता श्री के साथ और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान संजय जी का आशीर्वाद कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी और श्रीमान निर्मल जी जैन आगरा, ये आएंगे सम्माननीय डॉक्टर अशोक जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आपकी तालियां नहीं बज रही, क्या बात है। आइए श्रीमान संजय जी का आशीर्वाद और निर्मल जी आगरा सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में अगले सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी इंदौर निवासी, इंदौर का नाम आया ताली बजनी चाहिए, श्रीमती मानक जी जनपति स्वर्गीय सीलचंद जी चंद कुमार जी दर्शनी देशना वर्धन जैन इंदौर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन और श्रीमान कपूरचंद जी कोटा, ये आएंगे हमारे सम्माननीय श्रीमती मानक जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और इंदौर वाले बैठे हैं, जोरदार ताली तो बजाओ इंदौर वालों के लिए। और आइए चलते हैं और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। ऑनलाइन जिन्होंने अपनी शंकाएं भेजी उन शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए गुरुवर का आशीर्वाद चाहूंगा। गुरुवर सहजी अहमदाबाद से अपनी भावना निवेदित करते हुए कह रहे हैं नमस्ते गुरुदेव। गुरुवर प्राय देखा जाता है कि बहुत कम मुनि महाराज द्रव्यानुग्रंथ समय सारादी आध्यात्मिक ग्रंथों पर प्रवचन देते हैं, स्वाध्याय कराते हैं। आपकी ओजस्वी वाणी से अध्यात्म निर्झर फूटे, आध्यात्मिक उलझनों का शंका समाधान हो, ऐसी कृपा करें। ओ देखिए बात बिल्कुल सही है, बात कुछ भी हो बात तो मूल जिन वाणी की ही है। जहाँ तक द्रव्यानियों के ग्रंथों के प्रवचन की बात है होना चाहिए, मैंने भी अनेक बार किए हैं। आपको याद होगा कि हमारे पिछले चातुर्मास में हमने कुंद कुंद वांग्मय पर ही पूरे 4 माह 140 दिन तक प्रवचन किए हैं। ये हुए आचार्य कुंद कुंद के वांग्मय को समझने के लिए, हार समझाने के लिए उपयोगी है। चूँकि इस मंच में जो श्रोता है सभी समुदायों के हैं तो हमें उन सबको ध्यान में रख कर के करना होता है, लेकिन जिन लोगों को इस तरह के ज्ञान की ज़्यादा अभिरुचि है हमारी जो अलग से कक्षाएं लगती उनका लाभ आप ले सकते हैं। पिछले दिनों समय सार पूरा ग्रंथ है, साथ में चातुर्मास में चला और पूरे लोग जिनको लाभ लेना था उन्होंने लिया, इससे पूर्व प्रवचन सार और पंचाष्टी काय भी पूर्ण हुआ। अन्य ग्रंथ भी कोई ना कोई हमारे संघ में द्रव्यानियों के चलते ही रहते हैं, फिर भी आपने प्रस्ताव रखा है। देखिए आने वाले समय में अगर कोई योग बना तो ऐसे किसी ग्रंथ का जिसे तात्विक प्रवचन तो हो पर सार्वजनीन हो, जिसका सब लोग लाभ ले सके। मैं अपने प्रवचन केवल जैनों के लिए नहीं देता, मैं अपने प्रवचन आम जनों के लिए देता हूँ, जन जन के लिए देता हूँ, ताकि सभी लोग उससे लाभान्वित हो सके और सबके हृदय में तत्व की बात बैठ सके। बात भले ग्रंथ की हो या बिना ग्रंथ की, पर अर्थ तो निर्ग्रंथ का है और हमें निर्ग्रंथ की तरफ देखना है, उस तरफ आगे बढ़ना, ऐसा भाव रखना चाहिए। श्रीमान गौतम जी जैन भोपाल से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए शंका कर रहे हैं। मुनिवर मैं एक कॉलेज का छात्र हूँ, मैं अभी अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इस दौर में मुझे किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए
और मेरी शंका यह है कि ध्यान का क्या महत्व है और पढ़ाई के साथ हम अपना धर्म किस तरह पालन कर सकें। देखिए बहुत अच्छी बात है, बीटेक के छात्र ने पूछा इस समय मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, मेरी मर्यादाएं खंडित ना हो, मैं अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कतई ना करूं। मैं तुम्हारे माध्यम से सभी उन बच्चों और बच्चियों से कहना चाहूँगा जो कहीं भी अध्ययनरत है, बाहर जाते हैं, तो वो समय के बहाव में न बहें, हमेशा इस बात का स्मरण रख कर के चले कि मेरे माता पिता ने कितने उम्मीदों से भरकर हमें यहाँ तक भेजा है और खून पसीने की गाढ़ी कमाई हमारे जीवन के निर्माण में लगाई है, तो मुझे वो सब करना चाहिए। तो पहली बात, मर्यादाओं का ध्यान हो, हम अपनी मर्यादाओं को कतई खंडित ना होने दें, हम जैन हैं, जैनत्व की कसौटी पर खरे उतर सके, ये मनोभाव मन में होना चाहिए। दूसरी बात, आपने पूछा है ध्यान किसका करे, विद्यार्थी जीवन में अगर ध्यान किया जाए तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है, परफॉर्मेंस और अधिक अच्छा होता है। मैं आपसे कहूँगा नियमित भावना योग करो, 5 मिनट का भावना योग भी अगर बच्चे नियमित करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। अनेक बच्चों ने यहाँ आकर के इसके परिणाम बताए, एक अहिंसा जैन है जो अभी कलकत्ता में IAS है, इसी मंच से उन्होंने कहा था कि उस बहन ने कहा कि मैं भावना योग से UPSC निकल पाई हूँ क्योंकि उससे मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा, एकाग्रता बढ़ी है। तो इस तरह के चीज़ें हैं जो सबके जीवन में घटती है, हम इसको उपयोग में लें। रहा सवाल धर्म के क्षेत्र में क्या करें, जितना बन सके धार्मिक क्रिया करो, नहीं करो कोई चिंता नहीं, अधर्म से बचना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। एक संकल्प लो कि हम अपने विद्यार्थी जीवन में कोई अधर्म नहीं करेंगे। श्रीमती कीर्ति साहू छिंदवाड़ा से आपके श्री चरणों में नमन करती हुई प्रश्न कर रही हैं, गुरुवर क्या घर बनाते समय वास्तु को मानना चाहिए, और यह कहा जाता है कि पूजा का स्थान इस दिशा या ईशान कोण में होना चाहिए, तो क्या यह सब होता है? यदि हम वास्तु के अकॉर्डिंग घर न बनाए तो क्या भविष्य में कोई समस्या हो सकती है? गुरुदेव कृपा शंका का समाधान करें। वास्तु के विज्ञान की दृष्टि से पूछोगे तो वास्तु का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, वास्तु का अपना शास्त्र है, वास्तु के अपने नियम है, वास्तु के अपने सिद्धांत है। मैं वास्तु को मानता हूँ पर वास्तु का हवा नहीं बनाता, हवा मत मानो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती, खुद वास्तु शास्त्र ये कहते हैं कि मनुष्य का स्टार यदि ऊंचा है तो वास्तु के दोष कुछ काम नहीं करते, यदि तुम्हारा पुण्योदय प्रबल है तो वास्तु के दोष में कुछ नहीं होगा, और पुण्य छीन हो गया तो फिर वास्तु के कई भूत प्रकट होंगे। तो ये चीज़ें बनती है। आप देखिए घरों में, शहरों में, गांव शहरों में कई पुरानी हवेलियाँ होगी जिसमें लोग वर्षों से रहे, नगर सेठ कहलाए, उनका वास्तु दोष नहीं था, और उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी जिनके थोड़े कर्म फूटे उनको वास्तु दोष सताने लगा। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि वास्तु के सिद्धांत को अगर हम देखें तो जितना बन सके अपनाएं, लेकिन लकीर के फकीर न बने, इस बात को ध्यान रखें। और एक बात और बताऊं, वास्तु का परामर्श जिस किसी छुटभैये वास्तुविदों से मत करें। आजकल बहुत सारे स्वयंभू वास्तुविद हो गए हैं जिनको किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं, कोई चाइनीज का, कोई फेंगशुई का, कोई और का, और किसी ने 4 किताबें पढ़ ली और अपनी कंसल्टेंसी देना शुरू कर दी। यदि वास्तु का सही परामर्श लेना चाहते हैं तो उनसे लें जिन्होंने वास्तु के मूलभूत ग्रंथों को पढ़ा है, जैसे प्रसाद मंडन है, क्षीरार्णव है, शिल्प रत्नाकर है, समरांगन सूत्रधार है, जो वास्तु वाले आए उनसे पूछो आपने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े, 2-4 ग्रंथों के नाम भी बता देना, तो समझना ये हमको सही एडवाइस देगा, बाकी तो सब हवा में लट्ठ है। और सब आ जाते हैं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये वास्तु वाला। वास्तु के विशेषज्ञ आज भी इस दुनिया में हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनके रिजल्ट भी मिलते हैं, लेकिन वो भी सॉल्यूशन भी है वास्तु में, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, पर जब हवा बना लेंगे तो मामला गड़बड़ होता है, लोग अपनी दुकानदारी चलाते हैं। प्रत्यक्ष
रैनी जैन कटनी से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। महाराज जी, हमें कहा जाता है कि बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, पर जब कभी बड़े लोग गलत बातें करते हैं तो उन्हें कैसे समझाएं कि सम्मान भी हमारा है और बड़े समझ भी जाएं। बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका मान रखना चाहिए, बड़ों को छोटों का ध्यान रखना चाहिए। ये बात सही है, कई बार बड़ों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। अब बड़ों से गलतियाँ हो जाए तो सीधे टोकना उनके सम्मान के खिलाफ है, और गलतियों को नज़रअंदाज करना भी व्यवहारिक परेशानियों का कारण है। तो उसके लिए क्या करें, हमें बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखने की कोशिश करनी चाहिए, एकांत में कथोपकथन करके कि जो गलतियाँ उनमें हैं वो गलती को एक उपलक्षण बनाएं और उनके सामने रखे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो, उसके साथ ऐसा हो रहा हो, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। उसमें वो जोर दे कि अगर घर का बड़ा ही है और उसकी ऐसी गलती है, उस गलती का परिणाम अच्छा नहीं दिख रहा हो, तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए, सामने वाला समझ जाएगा। तो सीधे सीधे बोलने से उनके अहम को चोट लगती है। हम मान देकर मना सकते हैं, मान गला करके तो व्यक्ति को और उद्धत बनाएंगे। तो हमें विनम्रता का ख्याल रखते हुए अपना काम करना चाहिए। प्रत्यक्ष और आइए, यहाँ पर जो उपस्थित श्रावक श्राविकाएं हैं उनकी शंकाओं के माध्यम से संघ का समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और आज देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर से लगभग 550 यात्री आए हैं, आप उन्हें जोरदार ताली बजावें। और यहीं से हम आज प्रश्न का शुभारंभ करते हैं। इस मांगीलाल मंडल यात्रा के संघपति श्रीमान संदीप जी गंगवाल व्यायेंगे सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न के साथ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ऋतु राजेश काला वड़वानी। इनके अपने साथ जो दो चार प्रमुख उनको भी खड़े कर लो। हाँ जी, कौशलराज जी, दिलीप पाटनी जी आदि आदि जो सब हैं, खड़े हो जाए एक बार, अच्छा रहेगा। और यूएसए से जो अशोक जी सेठी हमारे बीच, ये भी खड़े हो जाए, इंदौर यात्रा में साथ में आए। बोलिए। नमस्तु गुरुदेव, हम सभी आपको इंदौर समाज की ओर से नमस्तु करते हैं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव, हम सब यहाँ आचार्य मुनिश्री, हाँ बात बोलो बात, ब्रह्मांड सागर जी महाराज की जय। हम सब यहाँ अभी 550 के करीब लोग आए हैं और ऐसी भावना लेके आए हैं कि हमें आपका आशीर्वाद प्रदान हो, ताकि आपका नेमी नगर जैन कॉलोनी में और पूरे इंदौर समाज को चातुर्मास का अवसर प्रदान हो। गुरुदेव, हमारी सबकी यह भावना है। नमस्ते गुरु। और संदीप गंगवाल पूरा साथियों सहित हम सब जने हैं, हम चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छी बात प्राप्त हो। अपनी भावना को रखो, पर अभी तो माहौल दूसरा है, भावना रखो और हो सकता है तुम्हारी भावना फले। चलिए चलिए, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आगे आइए श्रीमान अशोक जी सेठी यूएससी। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरा और मेरा परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज बड़वानी का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम हमारे अंतिम समय को कैसे संभाले, जीव मरण के बाद कितने समय में दूसरी गति को प्राप्त करता है और कौन कौन से कर्म उसके साथ जाते हैं। फिर से बोलिए। जीव मरण के बाद कितने समय में दूसरी गति को प्राप्त करता है और कौन कौन से कर्म उसके साथ जाते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो तत्क्षण हम अगले शरीर को धारण करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर लेते हैं। अगर घूम घाम के जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय लगता है। और हमारे जितने भी कर्म हमसे आज जुड़े हैं मरणोपरांत भी, वो सब हमारे साथ जाते हैं। ओम ओम। श्रीमान अशोक जी सेठी यूएसए। उसके बाद भ्रती श्राविका शिये सोनू जी कलकत्ता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
हमारे यहाँ कैलिफोर्निया में हमने दिगंबर मंदिर के लिए जमीन खरीद रखी है और अब मंदिर के निर्माण की आज्ञा हेतु वहाँ की सरकार से परमिशन की वेट कर रहे हैं और इसमें काफ़ी विलंब हो रहा है। इसके लिए आप कोई सुझाव दें कि हमारा कार्य शीघ्र प्रारंभ हो, क्या जमीन की वास्तु या उसका वास्तु दोष वगैरह हो या उसका कुछ करना है, आप बताइए क्या करें कि हमारा कार्य शीघ्र प्रारंभ हो। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप लोग अमेरिका में जिन मंदिर बनाने के लिए संकल्पित है और वो भी पत्थर का मंदिर बना, पत्थर का ही जो हजारों साल के लिए सुरक्षित होगा। जहाँ तक सरकारी प्रक्रिया का सवाल है, थोड़ा वक्त लगता है। आप पूरे समाज के लोग एक ही काम करें, जब तक हमें अनुमति न मिले तब तक प्रत्येक सदस्य कुछ न कुछ त्याग करे और नमोकार मंत्र की प्रतिदिन एक एक माला इस भाव से फेरे कि ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो, सब चीज़ें ठीक हो जाए। आशीर्वाद। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। ब्रिटिश राविका सी ए सोनू जी कलकत्ता, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान बीरेन जी वकील साहब बल्लभगढ़ कोटा। नमोस्तु। मैं अपना प्रश्न रखने के पहले एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहती हूँ भावना योग का। ये मेरी बुआ है, हॉस्पिटलाइज थी और इनको डॉक्टर बहुत ही समस्या में थी। इनकी समस्या आप सुनिए और भावना योग और तीन गुरुवार को इन्होंने ध्याया, विद्यासागर जी, सुधा सागर जी और प्रमाण सागर जी। इनके 2021 में सितंबर में दशलक्षण के समय मेरा मंदिर छूट गया था, टेस्टिंग कराने घूम रही थी। फिर मैं पुणे गई, इलाज कराई, फिर हैदराबाद गई। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि पेट में लीवर हो गया, लीवर में टीबी हो गई और पेट में पानी भर गया। एकदम सीरियस पोजीशन थी, आईसीयू में थी मैं। फिर घर आई, ट्रीटमेंट हुआ मेरा काफ़ी दिन तक, 6 महीना तक मैंने 800 पावर की दवाई खाई। साइड इफ़ेक्ट अभी भी है, लेकिन मेरे संदेश हमको इतना प्रेशर दिए कि आप भावना योग करिए। उस समय घर में चल नहीं पाती थी, बेड पे थी, सब कुछ मेरा बेड पे होता, उठ नहीं पाती, गिरती थी, बार बार गिरती थी, पकड़ पकड़ के ले जाते थे लोग हमको। ऐसे डर लगता था कि मैं कैसे चलूं, मैं गिर जाऊंगी, गिरी भी बहुत बार गिरी। फिर भावना योग मैंने धीरे 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 बैठ के करना शुरू किया, मेरे मुँह से बोली भी नहीं निकलती थी और बैठ भी नहीं पाती, हाथ वाथ सब जगह सोजन आ गया था, दोनों हाथ में हथेली में सब जगह, खाना भी नहीं खा पाती थी मैं, ये पोजीशन हो गई। फिर भावना योग करते 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 मैं सोची नहीं थी कि मैं मंदिर जाना शुरू करूंगी, मैं तो सोच ली थी बैठ के ही हो गई, लेकिन हिम्मत भी बहुत की और भावना योग शुरू किया। उससे मैं धीरे 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 इम्प्रूव होता गया। आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ। बहुत बढ़िया। दूसरे ये दशलक्षण से मंदिर जाना शुरू करी, जो मंदिर अभी तक जा रही हूँ डेली, मैं सोची नहीं थी कि मंदिर जा पाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये उदाहरण प्रायः रोज आते हैं, आप लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। चलिए सवाल कीजिए। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि राग और द्वेष, इन दोनों चीजों को जीतना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीता सबसे जान लिया। तो गुरुवर, पहले मैं सोचती थी राग को जीतना तो बहुत आसान है, पूरी अपनी जितनी भी शक्ति है वो द्वेष को जीतने में लगाओ। तो कुछ लोग प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन मेरा मानना है जिस व्यक्ति से लड़ाई हुई उसी से जाकर के क्षमा मांगो और उससे माफ़ी मांगो तो वो द्वेष नहीं रहता। तो मैंने देखा द्वेष तो मैंने जीत लिया, लेकिन राग में अभी तक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ खोई नहीं थी। 4 महीना पहले मेरी मम्मी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद से मुझे लगा कि राग को जीतना तो बड़ा कठिन है। गुरु एक माँ होती है और गुरुओं से प्यार, गुरुवर आप लोग भी करते हो, तो वो क्या राग की श्रेणी में आता है कि श्रद्धा है, भक्ति है? कृपया मार्गदर्शन करें। ये बात सही है कि राग भी दुखदायी है और राग को जीतना भी कठिन है, लेकिन गुरु के प्रति राग नहीं, गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति होती है। सांसारिक जनों और चीज़ों के प्रति राग होता है, पर जो पारमार्थिक निमित्त हैं उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, राग नहीं। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं ब्रह्मचारी था गुरु चरणों में ही शयन करता था जब तक संघ में रहा, और जब तक गुरुदेव की वैयावृत्ति नहीं कर लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती। जब गुरुदेव विश्राम में चले जाते तो मैं वहीं बाजू में चटाई बिछा के लेटता था, ये मेरे नित्य का क्रम था।
कभी कभी अंतराय वगैरह होने से मान लीजिए थोड़ा जल्दी में लेट गया और गुरुदेव लंबी सामायिक कर रहे हैं और नहीं हो पाया, तो सौथी में ऐसा होता था कि जब मेरी नींद खुलती तब गुरुदेव के पैर दबाने चले जाते। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि देखो गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, राग नहीं। जैसे घर परिवार का राग दुखदाई है वैसी गुरु का राग भी दुखदाई है। ये बात उन्होंने मुझे 1985 के दिसंबर में बोला, मैंने उसे अपने हृदय में अंकित कर लिया। गुरु को एक आदर्श के रूप में स्वीकार करो, उनके निकटता का भाव रखो, नैकट्य भी बना के रखो, उनसे अपनापन रखो, लेकिन उसके आगे भी गुरु के रास्ते को सामने रखो। समझ गए? गुरु ने मुझे दिया दे दिया, समझ गए? एक प्रकाश दिया है, उस प्रकाश को लेकर हम चले तो कुछ नहीं होता। आज हम लोग गुरुदेव से वर्षों नहीं मिलते, उनके प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, लेकिन उनकी प्रत्यक्ष सन्निधि के अभाव में मन व्याकुल नहीं होता। तो वही चीज़ें हमें सीखना चाहिए। जब हम व्यक्ति से जुड़ते हैं तो हमारा चित्त विचलित हो सकता है, और गुणों और आदर्शों से जुड़ते हैं तो कहीं गड़बड़ नहीं। श्रीमान बीरेन जी वकील साहब बल्लभगढ़ कोटा, अपने शंका का समाधान प्राप्त करें उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रदीप जी जैन दिल्ली, वे आएंगे मंच पर और परम पूज्य मुनिवर के श्री शर्मा नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गणतंत्र ट्रस्टी रनी जी सुनेली सागर, ये आएंगे हमारे सम्माननीय प्रदीप जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जब तक बीरेन जी सवाल करें। परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में शशत नमन। परम प्रभावक शिष्य सवाल सीधे करिए महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वो उसके जो बेटा बेटी दान करते हैं तो उसका पुण्य उसको लगेगा या जो मरता है उसको लगेगा? मैंने महाराज जी एक मिनट महाराज जी मैंने अब ऐसा सोचा है कि मैं अपने मेरे और मेरे जीवन साथी के 15 लाख रुपए जमा करा दूं और उसका जो ब्याज आता है एक साल में, वो ब्याज एक साल में जो ब्याज है वो एक ही मुश्त एक जगह दी जाए। मरने के बाद जैसे 11,000 एक 1100 ऐसे देते हैं, वो ज्यादा उचित है या एक मुश्त? और वो बेटे को भी एक उसका दुश्मन बना के जाऊंगी साथ में साइन के लिए, वो हर याद दिलाता है। सवाल में संक्षेप में समझ जाता हूँ, आज बहुत लंबी लाइन है इसलिए सभी से कहना है कि थोड़ा सा सार में विस्तार की बात करें तो अच्छा है। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है, किसी के मरणोपरांत उसके धन का दान करने का पुण्य किसको मिलेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी मृत्यु के उपरांत वो संपत्ति किसकी होगी? हाँ, माइक है ना आपके पास? बेटे की, बेटे की। तो संपत्ति किसकी हुई? बेटे की। तो जिसकी संपत्ति है दान तो उसका होगा ना, आपका कहाँ होगा? और जो दान करेगा वो पुण्य कमाएगा। क्यों वकील साहब, लीगली कौन है? हाँ, लीगली वो उसी को राइट है ना। हाँ सही है, वो तो उसी को। तो इसलिए सीधी सीधी बात समझो, बाद वालों के भरोसे कुछ छोड़ के मत जाओ, जो करना है तिया पाचा करके जाओ। जय हो, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। क्या पता पीछे वाला कोई कलम फूटा निकल गया तो वो भी चला गया, कोई ठिकाना थोड़ी है। तो जो करना अपने हाथ से करो, आज करोगे तो तुम दे के नहीं जाओगे, लेके जाओगे, और नहीं करोगे तो छोड़ के जाओगे। नमस्ते गुरुदेव। तो छोड़ के नहीं जाना, सौंप के भले चले जाना, वो तुम्हारा दायित्व है संतान को देने का। एक हिस्सा अपने द्रव्य का संतान को सौंपना चाहिए, सब नहीं, पर छोड़ के मत जाओ। संतान को जितनी आवश्यकता और अपेक्षा उतनी सौंप दो, बाकी अपने साथ लेकर के जाओ। और लेकर के जाने के लिए क्या करना है, पुण्य क्षेत्र में उसका विनियोजन करो। दूसरी बात,
आपने ट्रस्ट बनाने की बात की, पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री हमेशा कहते थे आपने देव कुमार जी के पिताजी कि कभी किसी को ट्रस्ट नहीं बनाना चाहिए, ट्रस्ट बनाने से हमारी पीढ़ियों का धर्म चौपट होता है। बोले क्यों? बोले ट्रस्टों का पैसा होता है, आने वाली पीढ़ी ट्रस्टों से दान देती है और समाज में मान मिलता है, तो वो जो रोज कमा करके धन अर्जित कर रहे हैं उससे दान नहीं करते, तो उनकी दान की परिपाटी रुक जाती है। एक बार उन्होंने मुझसे बोला, कटनी में कई ट्रस्ट जिनकी बड़ी बड़ी आमदनी थी, बड़े बड़े घराने, तो उनमें से दान तो करते हैं, ट्रस्ट का पैसा चला गया। इसलिए ट्रस्ट मत बनाओ, अगर ट्रस्ट बनाते हो तो पारिवारिक ट्रस्ट मत बनाओ, ट्रस्ट को पंचायती बना दो, तो वो तुम्हारा, आज आपने ट्रस्ट बना दिया परमार्थ के कार्य में, तो जितना रुपया आपने ट्रस्ट को लगाया वो अब आपका नहीं हुआ, ट्रस्ट का हो गया, पुनः आपके खाते जाएगा। लेकिन अपने बच्चों के भरोसे ट्रस्ट बनाया तो घर की मिल्कियत तो तुम्हारी है, वो अलग चीज होगी। तो ये बात मुझे बहुत तार्किक जची कि आप अगर ट्रस्ट अपनी संतान के भरोसे सौंपोगे तो वो ट्रस्ट, खास पैसों का ट्रस्ट के विषय में बोल रहा हूं मैं, पैसे आपने निकाल दिए, तो वो संतान उसी ट्रस्ट से दान धर्म करेगी, जबकि रोज कमाने में जो पाप अर्जित हो रहा उसको दान तो उसके लिए करना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये भी है कि कल कहीं उसकी बुद्धि पलट जाए और पूरी संपत्ति को खुर्दबुर्द कर दे तो नरक निगोद के पात्र और बनेंगे, इसलिए ऐसा कार्य कभी नहीं करना। नमस्तु। और मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा रंजी को, प्रदीप जी जैन दिल्ली वालों का सम्मान के लिए, और अगली शंका लेकर आ रहे हैं गणतंत्र ट्रस्टी डॉक्टर अशोक जी, सविता जी भोपाल, उसके बाद मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे समाज के गौरव श्रीमान बिमल जी रारा पटना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी सम्यक प्रकट होने के ना होने के लिए मिथ्यात के साथ साथ अन्नबंदी कषाय का भी एक रोल है महाराज जी। मेरे प्रश्न है कि हम कैसे समझें कि ये कषाय हमारी अनंत अन्नबंदी चल रही है और इससे बचने के उपाय कैसे। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूंगा इस दंपति का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। डॉक्टर साहब एक व्यस्त चिकित्सक है दोनों दंपति, और उसमें डॉक्टर सविता जी भावना योग के प्रवर्तन में अपना काफ़ी अच्छा योगदान देती हैं, और जब से हमारा भोपाल प्रवास रहा तब से भावना योग से बहुत सक्रियता से जुड़े हैं, आगे भी ऐसी जुड़े रहेगी ऐसी मेरी अपेक्षा है, और अपने कोई अनुभव भी हो तो शेयर करेगी। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो गए हैं या नहीं, इसका हम अनुभव कैसे करें, अथवा आपका ये सवाल है कि हमारी कषाय कैसी है इसे हम कैसे जांचें। देखिए स्थूल रूप से हम अपनी कषाय के वेग को जान सकते हैं। यदि हमारे अंदर चीज़ों को सहने की और क्षमा कर देने की वृत्ति है तो समझ लेना हम मंद कषाय हैं। क्या कहना? सहने की और क्षमा कर देने की वृत्ति है तो अपने आप को मंद कसाई मान सकते हो, पर मैं इसके बाद भी दावे से नहीं कह सकता कि अनंतानुबंधी चले गई, क्योंकि अनंतानुबंधी को हम अपनी प्रवृत्तियों से नहीं पहचान सकते। हाँ, भोगाशक्ति मंद हो जाए और गहित मिथ्यात्व के प्रति कोई आकर्षण ना हो तो हम ये सोच सकते हैं कि हम सम्यक्तोन्मुखी हैं, पर यह वीतराग भगवान के ज्ञान का विषय है, दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, हमारे आपका नहीं। माजी बचने का उपाय यही है कि नित्य तत्व की भावना भाव, सम्यक तो पोषक निमित्तों का आश्रय लो और मिथ्यात् पोषक निमित्तों से यथा संभव दूर हो। नमोस्तु महाराज। हमारे समाज की गौरव सविता जी बोलेगी। भावना योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हाँ, भारतीय योग संस्थान की एक शाखा हमारे भोपाल में भी चलती है, मैं उसमें जुड़ी हुई, तो उसमें एक मैंने भावना योग को भी उसमें जोड़ा है, तो जिससे और भी समाज के लोग उससे जुड़े हैं उसको मैं थोड़ा और विस्तार रूप देने का प्रयास कर रही हूँ। और अपने साथी जन को मैं हमेशा, जिनको कुछ तकलीफ होती है वो कई बार मुझसे
अपनी सलाह लेते हैं, तो मैं ये भावना योग ही करने को उनको सलाह देती हूँ, तो काफ़ी लोगों को उससे राहत मिली है। मेरा एक प्रश्न और है। बोलिए। हमारे जैसे हम गृहस्थ हैं तो हमारा कर्म क्षेत्र भी होता है, हम धर्म भी करना चाहते हैं, परिवार को भी संभालना चाहते हैं, तो धर्म कर्म और परिवार तीनों में सामंजस्य बनाते बनाते कभी कभी हम किसी भी एक चीज़ में नहीं रह पाते। देखिए, धर्म कर्म और व्यवहार तीनों में समन्वय बनाना एक गृहस्थ की जिम्मेदारी है। सबसे पहला काम तो कुकर्म से बचना ही मेरी पहली प्राथमिकता है, उसे हमें ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक धर्म और पारिवारिक जिम्मेदारियों का सवाल है, उनके संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुख होकर धर्म करना मेरी दृष्टि में सार्थक नहीं है। धार्मिक क्रियाएं कीजिए पर पारिवारिक जवाबदेहियों का भी पालन कीजिए। एक बहन जी थी, उन्होंने असमय में अपने पति को खोया और वो धर्म से जुड़ गई। अच्छी है, लौ लगी, डिप्रेशन से बाहर आ गई और लगन लग गई, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरा हुआ। वो बहुत एक्टिव लेडी, समाज में बहुत सक्रिय भूमिका, पर उनके बेटे मंदिर नहीं आते थे। एक रोज़ उन्होंने कहा कि महाराज जी, मुझे तकलीफ है, मैंने सैकड़ों का जीवन बदल दिया पर मेरे बेटे मेरे नहीं सुनते, मेरे मंदिर के नाम से ही उनको चिढ़ाती। ठीक है, उनके घर आहार हुआ, उनका बेटा, बड़ा बेटा आहार देख रहा था, दो बेटे थे। मैंने उसे अपना कमंडल पकड़ा दिया, अब मंदिर तो आना ही होगा। आया, आके जैसे बैठा नहीं कि एकदम से सबके सब टूट पड़े, महाराज इसको मंदिर का नियम दो, मंदिर का नियम दो, मंदिर का नियम। मैंने कहा, देखो, सबसे पहले तुम लोग नियम लोगे, इसको किसी नियम के लिए नहीं बोलोगे। फिर सबसे अलग होने के बाद मैंने उससे अकेले में बात किया, तो उसने कहा, महाराज जी, मुझे उस धर्म से चीड़ है जो हमसे हमारी माँ को छीन ले। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा, क्या बात है भाई? बोले, महाराज जी, पापा चले गए, मानता हूँ, जिस समय पापा गए मैं 18 साल का था, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, माँ ने परिवार को संभाला, हम लोगों को संभाला, लेकिन माँ धर्म से लग जुड़ गई, अच्छी बात है, इससे खुद को संभाल ली। पर हम बेटों का भी तो ख्याल रखना चाहिए। सवेरे 5 बजे वो मंदिर जाती और 10 बजे के पहले नहीं आती। हम लोगों को ऑफिस जाने के पहले अपना चाय नाश्ता भी अपने हाथ से करना पड़ता है, और जब हम लोग अपने ऑफिस से आते हैं तो 10 बज जाते हैं, माँ हमें सोई मिलती है, माँ हमसे मिलती ही नहीं। हम लोगों का, हम लोग हैं भी कि नहीं हैं, माँ को कोई मतलब नहीं, माँ अपने में मस्त है। तो हमें लगता है कि इस धर्म ने हमसे हमारी माँ को छीन लिया। मैंने उसे अपने तरीके से समझाया। फिर बाद में उनकी माँ को बुलाकर कहा कि बच्चों से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत आपको है, क्योंकि आपको अपने मातृधर्म के साथ साथ पितृधर्म का भी निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि संतान को अगर सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं हो तो संतान भटक जाए। हमने कहा, नहीं, आज आपके बच्चों की एक विशेषता है कि आपके साथ रोक टोक नहीं है और किसी तरह का कुलक्षण नहीं है, लेकिन इसी तरह की स्थिति रही तो वो भटक भी सकते हैं। तो आपको चाहिए थोड़ा समय दो और बच्चों के साथ अपना समय बिताओ, बच्चों की बातें, बच्चों को बातें शेयर करो और बच्चों से बातें ऐसी करो कि बच्चे भी अपनी बात शेयर कर सके। मेरे समझाने के बाद उनके सोच में बदलाव आया, व्यवहार बदला, और धीरे धीरे उस बच्चे में संस्कार तो पुराने थे, थोड़ी सी चिढ़ आ गई थी, आज वो नित्य अभिषेक पूजन भी करने लगा है। तो मैं जो आप सबसे कह रहा हूँ कि कोई कार्य करो तो व्यवस्थित करो, एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारा सन 1999 में भोजपुर में चातुर्मास था,
प्रतिदिन भोपाल से एक बस आती थी, कुछ सदस्य प्रतिदिन आते थे। बस वहाँ से 8:30 बजे छूटती थी, 9:30 बजे भोजपुर आती थी, हम लोग आहारचर्या को उठते थे, 12 बजे लौटती थी, 1:15 बजे तक घर लोग पहुँचते थे। ये रोज का क्रम था। एक बार एक सज्जन ने एक व्यक्ति से उसकी धर्मपत्नी की शिकायत की कि तुम्हारी धर्मपत्नी रोज आती है महाराज को आहार देने, तुम उसको रोकते नहीं हो। बोले मैं क्यों रोकूं? वो वहाँ जाने के लिए 3 बजे उठती है, अपना सामायिक पाठ वाठ सब करती है, पूजन करती है, और 8:30 बजे घर से निकलने से पहले हमें नाश्ता करा देती है, बच्चों का टिफिन तैयार कर देती है, सब कुछ करके खुद का टिफिन लेकर के जाती है। मैं क्यों रोकूं? और जब से महाराज से जुड़ी है उसकी सारी दवाइयाँ बंद है, मैं क्यों रोकूं? ये है समन्वय। एक तरफा मत करो, तो ऐसा संतुलन बनाओगे तो ठीक रहेगा। और एक तरफा या तो घर का काम भूल जाओ या दुकान धंधा ही पूरा भूल जाओ, एक आध दिन तो चलता है। रोज रोज त्योहार नहीं मनाया जाता और रोज रोज उपवास भी नहीं होता। तो ये चीजें व्यक्ति को समझना चाहिए। मैं समझता हूं इन दोनों उदाहरणों से आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी, ज्यादा कहने की आवश्यकता से नहीं होगी। आशीर्वाद। और आइए विमल जी अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व अभी गुरुवार के उद्बोधन से श्रीमान कुशल राजी जैन नैमी नगर इंदौर प्रभावित हुए और उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी, गुरुवार नमोस्तु, अभी अभी आपने कहा कि ट्रस्ट नहीं बनाना, न ही आगे दान के लिए कोई FD बनाना, अपना दिए अपना साथ ही जाता है। मेरे मन में तुरंत ही उद्बोधन से मन में आया और मैं अपने गले में जो सोने की चैन जो बेचैन करती थी गुणायतन को देने के लिए समर्पित करता हूँ। कुशल राज जी जो कि दिलीप पाटनी जी के रिश्तेदार, खड़े जावे और मंच पर आ जावे, जोरदार ताली बजा के इनके सम्मान करें जिन्होंने प्रभावित होकर स्वर्णदान गुणायतन को दिया है। और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन व्यायेंगे। हमारे कुशल राज जी और दिलीप जी पाटनी का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। श्रीमान आइए, दोनों का संयुक्त सम्मान श्रीमान NL साहब कर रहे हैं और आप ताली बजा के इंदौर वालों को सम्मान हो रहा है। श्रीमान विमल जी दारा पटना, उसके बाद श्रीमान संजय जी काशीलवाल कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पूरे विश्व के 60 विश्वविद्यालयों में जैन चेयर जैन की पढ़ाई होती है, जैनोलॉजी की। हर जगह पर अलग अलग चेयर है, कहीं 3 साल से है, कहीं 4 साल से है। एक बड़ी समस्या उस पर आ रही है कि जैन धर्म का जो भी दर्शन है, साहित्य है, वो सब प्राकृत भाषा में है या हिंदी में है। उन यूनिवर्सिटीज़ में जो विदेशों के अंदर अधिकांशता है, उनको पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम से जैन धर्म की बातों को रखने का कोई भी ऐसा उपकरण अभी तक नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। वहीं के जो भी विद्वान हैं उस यूरोपियन कंट्रीज़ के, वही उन बातों को जो भी ट्रांसलेट करके पढ़ाते हो या बाकी, उस पर जैनत्व की बात पूरी तरह से नहीं आ पाती है। आने वाले दिनों के अंदर जो भी बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वो सब अंग्रेजी माध्यम से प्रायः या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। नतीजा ये है कि आने वाले और 10-20 सालों के बाद उन बच्चों को और उन विदेशों में चलने वाले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जैन धर्म की पढ़ाई किस माध्यम से हो सकेगी, एक बड़ी समस्या है। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर बात उठाई। अगर मैं जैन साहित्य के इतिहास की बात करूं, तो ये पाता हूं कि जैनों ने कभी भी न तो भाषा का आग्रह रखा, न क्षेत्र का आग्रह रखा। जैन साहित्य सब भाषाओं में रचा गया,
क्योंकि जैनों ने जनता की भाषा को ही अपनी भाषा बनाई। यद्यपि हमारी मूल भाषा प्राकृत थी, लेकिन प्राकृत होने के साथ साथ तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी विपुल साहित्य रचा गया। आपको एक बात बताऊं, सुनकर आश्चर्य होगा कि तमिल साहित्य से यदि जैन साहित्य हटा दे तो प्राचीन साहित्य के नाम पर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जैनों का एक ही मकसद रहा, अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक हम कैसे पहुंचाएं। प्राकृत हुआ, फिर संस्कृत हुआ, फिर अपभ्रंश हुआ, और हिंदी में भी ग्रंथ रचे और अन्य भारतीय भाषाओं में भी ग्रंथ रचे गए। वर्तमान में जिस तरह का परिवर्तन लक्षित हो रहा है, अब ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में ग्रंथों की आवश्यकता है, तो नवसृजन अंग्रेजी में होने लगा और हो रहा है, बहुत कुछ हुआ है, कुछ अनुवाद भी हुए हैं, तो धीरे 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 चीज़ें आएंगी। मुझे दिखता हमारे समय तो नहीं, पर हमारे आपकी पीढ़ी के बाद शायद वो सब चीज़ें आने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हिंदी को भूलकर अंग्रेजी ही बोलने लगे, क्योंकि आज की जितनी भी तालीम है वो अंग्रेजी माध्यम से ही ज़्यादा हो रही है। तो उस तरीके से साहित्य रचा जा सकता है, पर उसकी मौलिकता होनी चाहिए। जब जैन तत्व विद्या का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, उस समय मैंने देखा कि देश में हमारे कितने ग्रंथों के अनुवाद में कितनी बचकानी प्रवृत्तियाँ हुई। शब्दानुवाद हो गया, क्योंकि हर भाषा की एक अपनी आत्मा होती है, और जो ग्रंथ जिस भाषा में लिखा जाता है उसकी आत्मा उसमें ही बसती है। अनुवाद अनुवाद होता है। बहुत सारी चीज़ें थी जो समझ में नहीं आती थी, हमने जैन तत्व विद्या में उन सब चीज़ों को संशोधित किया, और अब मैं समझता हूँ जिस तरह के की भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गाइड का काम कर सकती है, अन्य ग्रंथों के अनुवाद के लिए भी। आप लोगों को अब जैन तत्व विद्या का अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध भी हो गया है, तो वो आप लाभ उठा सकते हैं और लोगों को उस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम इस भाषा के विस्तार पर विचार करें और लोगों को सही रास्ता दिखाएं। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है। आज हम सब घरों के बच्चे पूरे विश्व के अंदर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को समकक्ष माना जाता है। आज हमको भी अपने बच्चे को यदि जैन धर्म के बारे में बताना होता है तो उसका पहला प्रश्न होता है कि बौद्ध धर्म में भी तो जैन धर्म के जैसी समानता है। ये उनसे पहले ये बताओ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को तो जानो। जैन धर्म में नित्य परिणामित्व है, हम नित्य भी मानते हैं अनित्य भी मानते हैं, और बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन सर्वथा क्षणिकवाद की बात करता है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता। तो ये जब दार्शनिक मान्यताओं को समझेंगे तब हम चीज़ों को समझ सकेंगे। सामान्य आचार की बात ऊपर से कहना अलग है, तो भीतर से जैन धर्म में मांस भक्षण का कट्टरता से निषेध है, और बौद्धों में ज़्यादातर आज मांस भक्षण शुरू हो गया है। तो ये कितना बड़ा अंतर है, हम एक कैसे माने। अहिंसा और करुणा की बात बौद्धों में होती जरूर है, पर जहाँ मांस भक्षण है वहाँ करुणा कैसे फलीभूत होगी, हमें ये भी समझाने की जरूरत। संजय जी, एक अनुरोध सिर्फ। हम सब लोग उपवास करते हैं दस लक्षण में अलग अलग ढंग से जो है, क्या अब आवश्यकता नहीं हो गई है कि मोबाइल और लैपटॉप का भी जो है उपवास करना शुरू करें। बिल्कुल, इस बार मैंने पर्यूषण में लोगों को करा भी दिया, कम से कम सप्ताह में एक दिन तो उपवास करो, टेक्नोलॉजी का उपवास, समझ गए ना। बिल्कुल बहुत, और उससे एक बात बताऊँ, बहुत फ़ायदा होगा, खुद के साथ संवाद जोड़ने का मौका मिलेगा। आप बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर रहिए कि मुझे किसी चीज़ से कोई लेना ही देना नहीं, और तभी उपवास का सच्चा लाभ भी मिले। बहुत अच्छा। श्रीमान संजय जी का आशीर्वाद, कोलकाता गणतंत्र दृष्टि, अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व सभी के लिए सूचना है, आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर 27 फरवरी से 7 मार्च तक अद्भुत ऐतिहासिक
अकल्पनीय प्रभावना के साथ सिद्धों की भूमि में सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने वाला है। अब वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने मंडल लेकर अपने परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। जो भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं उन सभी के लिए सूचना है, मंडल पुण्याजक के रूप में अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। 3,11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है, साथ ही सामान्य इंद्रनाणी के लिए 51,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। जो भी मंडल पुण्याजक या सामान्य इंद्रनाणी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक एक्ट में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को और सामान्य इंद्रनाणी के पद को आरक्षित करा सकते हैं। 10 तारीख के पहले पहले अपनी सूचना यहां पर व्यवस्थित भेजें, जिससे हम आपके रुकने की, आवास की, भोजन आदि की संपूर्ण व्यवस्था गुणायतन परिवार की ओर से कर सकें। और आइए चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम में पुनः। देखे ये तो आप लोगों का सुयोग है कि छूटती भी गाड़ी रुक गई। बहुत सारे लोगों के पहले नाम आ गए थे, उस समय लोगों के मन में बड़ी हताशा हुई जब इस कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा इस मंच से हुई। बहुत से लोगों ने अपने कार्यक्रम को इधर उधर परिवर्तित किए और बहुतों के रिजर्वेशन कैंसिल हो गए। फिर भी मुझे जैसी जानकारी है बहुत सारे लोग इस विधान में सम्मिलित हो रहे हैं और इस विधान के मुख्य पुण्यार्जक में अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल का भी इस बार नाम है। जिनको भी लाभ लेना है अभी मौका है, 20 दिन बाकी है, आप अपना कार्यक्रम बना सकते हैं। सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना का ये पवित्र अवसर, मंगल अवसर दुर्लभता से प्राप्त होता है। तो जो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहें समय पर अगर उसे संसूचित करे तो अति उत्तम होगा। तो किनका भाग होगा, 108 तो अब नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो अपने आप में बहुत उत्तम होगा। तो जिनको भी लाभ लेना है वे अपनी सूचना शीघ्रातिशीघ्र यहाँ प्रेषित करें। हाँ, सामान्य भी बिना मंडल के भी आए, कोई वंचित न रहे, सिद्धों की आराधना का मौका जैसे मिले करें। चलिए, श्रीमान अभिषेक जी सीए और श्रीमती मिनी जैन सीए इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी किरण जी छाबड़ा वाराबंकी। नमोस्तु गुरुदेव। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं जब सीए की पढ़ाई कर रही थी तो अब मैंने गुरुवाणी सुनी और नौकरी ना करके नौकरी देने वाला बनने के सोचा। लेकिन अभी मेरा 11 महीने का बच्चा है तो मैं 10-11 महीने से ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ, तो उसे बहुत डिससेटिस्फेक्शन रहता है। तो इस चेंज को मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ और क्या करूँ? थोड़े दिन के लिए जैसे मान लो कि मैंने छुट्टी ले ली है, अपने पति देव को काम करने दो और ये सोचो कि मेरी ऑफिस से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी मेरे बच्चों की परवरिश है। हमारा मूल लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा मूल लक्ष्य जीवन को अच्छे से जीना है। और हम तभी जी पाएंगे जब हम अपने और अपने बच्चों और परिवार के साथ अच्छे से रह सकेंगे। इसलिए हम अपनी प्राथमिकता को बदल दें। अभी मेरी यही प्रायोरिटी, यहाँ आई है, ऑफिस बंद करके आई कि खुला छोड़ के आई? छोड़ के आई ना, ऑफिस तो छोड़ के आई, कैसे आ गई? आपकी प्रायोरिटी बदली कि शिखर जी हमें जाना ही, मांगी लाल ग्रुप में ही है ना? हाँ, हाँ। 10 दिन का ट्रिप है, कितने दिन का है? 10 दिन का। 11 दिन छोड़ा ना महाराज जी, हम मुनि श्री निर्विक सागर जी महाराज के बिहार में जाने वाले हैं, अब यहाँ से यात्रा करने के बाद है ना? हाँ। तो बस ऐसे ही जैसे हम अपनी प्राथमिकता को बदलते हैं वैसे ही चीज़ें स्वीकार होने लगती है। आप अपनी प्राथमिकता को बदलोगे चीज़ें स्वीकार होगी। श्रीमती किरण जी छाबड़ा वाराबंकी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि कहते हैं सिद्धों में छायिक व परिणामिक भाव होते हैं, तो गुरुदेव छायिक व परिमाणिक भावों से परिणामिक हाँ बोलो हाँ, परिणामिक हाँ। भावों से क्या अभिप्राय है गुरुदेव, कृपया संकेत। थोड़ा स्वाध्याय करोगे तो समझ में आएगा, है ना? हाँ। यहाँ अभी बताऊंगा तो आपके सिर से निकलेगा। जो कर्मों के 6 से उत्पन्न होते हैं उन भावों को छायिक भाव कहते हैं। सिद्ध परमात्मा सारे कर्मों का 6 कर लेते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे भाव प्रकट होते हैं छायिक सम्यक्त, केवल ज्ञान आदि, वो छायिक भाव है।
और पारिणामिक भाव वह भाव है जो न कर्म के क्षय से होता है, न उदय से होता है, न उपशम से होता है, न क्षय उपशम स्वभाव से होता है। वो आत्मा के शुद्ध परिणमन को प्राप्त कर लेते हैं, वही उनका पारिणामिक भाव है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवासी विद्यासागर। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधु अंकित, प्रियंका गंगवाल, रोहित, शिल्पी गंगवाल, पौत्री दनिशा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल।